हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंस्टॉल ऐप नॉट शोइंग इन रियलमी। तो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ ऐप अगर आपको नहीं शो कर रहा है तो क्या सेटिंग करना है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अपना जो ऐप नहीं शो कर रहा है वो यहाँ पर सर्च करना है। देखिए यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा नो रिज़ल्ट। यहाँ पे मैं पिकाशो ऐप सर्च कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं शो कर रहा है। तो कैसे शो करेगा ये, आइए आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। यहाँ पे जब आप सर्च करने के बाद जाओगे अपने फाइल मैनेजर में या फाइल में जहाँ ऐप्स रहते हैं वहाँ आपको दिख जाएगा APK। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में फाइल मैनेजर या फिर जो भी आपका फाइल है जहाँ से ऐप आपने डाउनलोड किया है, जहाँ APK रहता है, वो ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हो 4-5 अलग अलग ऑप्शन है, फ़ोटोज़, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, APK, आर्चिव। APK में ही ऐप रहता है। यहाँ पे APK मैं ओपन कर देता हूँ और ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पिकाशो का APK दिख रहा होगा। तो आपके मोबाइल में भी ऐसी APK दिखेगा जो भी आपने डाउनलोड किया है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ शो करेगा डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस ऐप, तो इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे डन और ओपन लिखा हुआ दिख रहा है। ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ऐप ओपन हो जाएगा और डन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे ऐप दिख रहा है, यहाँ पे वो इंस्टॉल हो गया है और शो भी कर रहा है। फिर यहाँ पे आपको सर्च बार में भी सर्च करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं पिकाशो ऐप जो मैंने इंस्टॉल किया अभी वो इजीली मुझे शो कर रहा है। तो आपको भी ऐसी करना है, आपने APK डाउनलोड किया रहेगा तो उसको जाके APK के ऑप्शन में जाके उसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको शो करने लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय।